मानसी गंगा, तारंग घाट, बिलासपुरा नौका, ये सब कथा उधर जाके बैठ बोलेंगे। सबसे पहले इधर श्रीधर महाराज स्थान की महिमा श्रवण कराएंगे। श्रीधर महाराज हरे कृष्ण हरि बोल। ओम ज्ञान निरामधश्च ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रमद मदन लीला कंदर कंदरते रचयति नवजोन द्वंद्वमस्मिन् मन्दम् एतकीलकलनार्थ लग्न कस्त्वयर्मे निज निकट निवास देहि गोवर्धन त्वं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हाथ उठा के बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं, यह मंदिर का नाम श्री हरिदेव मंदिर है। इसलिए बज्रनाभ जी जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, धीरे धीरे सारे कृष्ण लीला भी धीरे 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 अप्रकाशित तो होते जा रहा था। इतने में बज्रनाभ जी आ करके उन्होंने सारे स्थान को पुनः उन्होंने प्रकाशित किया है। इसलिए ब्रज में अक्सर करके जो जो स्थान अभी हम दर्शन करते जा रहे हैं, ये सब के सब ये बज्रनाभ का ही देन है। अगर ये नहीं होते है ना, हमें पता ही नहीं चलता कृष्ण कहाँ पर गिरिराज उठाए, कृष्ण कहाँ पर बंसुरी बजाए, कृष्ण कहाँ रास रचाए, कृष्ण गैया कहाँ पर चराया करते थे, ये सब हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए उन्होंने हम जैसे बद्ध जीव भविष्य में आ करके कृष्ण का लीला कहाँ कहाँ पर हुई है हमें थोड़ी बहुत पता चले, वहाँ पर जाए, वहीं पर बैठे, उनकी कथा सुने, प्रभु जी को याद करें। इसलिए बज्रनाभ ने कृपा करके ये सारे काम श्री बज्रनाभ ने किया है। इसलिए उन्होंने विशेष करके ब्रजमंडल में उन्हें चार देव को उन्होंने प्रकाशित किया है, हैं कहते यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन में उन्होंने श्री हरिदेव का स्थापन किया, मथुरा में श्री केशव देव का स्थापन किया, वृंदावन में गोविंद देव को और दाऊजी में बलदेव को उन्होंने स्थापन किया। कहते ये जो हरिदेव है, ये देव मतलब क्या होता है, बोले देव मतलब होता है दिव्य क्रीड़ाया, जिन्होंने बड़ी बड़े सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य लीलाओं को उन्होंने किया है। और सारे लीला में जो सर्वश्रेष्ठ जो लीला है भगवान की रास लीला है। इसलिए देव मतलब होता है जिन्होंने सुंदर सुंदर लीला को की, और विशेष करके जिन्होंने दिव्य अपना रास लीला को जिन्होंने प्रकाशित किया है, इसलिए इनका नाम श्री हरिदेव है। बोले श्री हरिदेव की। इसलिए यहीं पर ही कृष्ण खड़े होकर के अभी जो पोजीशन देख रहे हैं ना, ये जो पोजीशन है ठाकुर जी गिरिराज जब उन्होंने धारण किया, ये गिरिराज धारण करने का ये पोजीशन है, कैसे देखे, इसलिए उल्टा हाथ में गिरिराज उठाए और दूसरे हाथ कमर में रखे। इसका मतलब क्या है, इसलिए इसका मतलब है कृष्ण कहते हैं भैया हम कहते ना भवसागर पार होना कोई साधारण बात नहीं, बड़ा दूर है भवसागर पार होना, लेकिन अगर कोई कृष्ण का चरण में अगर कोई आश्रय ग्रहण करे तो दूसरे हाथ में उन्होंने कमर तक कमर में हाथ लगे। मतलब क्या, अगर कृष्ण को चरणों का आश्रय लिए तो भवसागर पार होना कोई बड़ी भारी बात नहीं। ये जो भव सेवा सागर हवे बालू चर हटिया हईवे पार एमन हरि नाम कर साई। अगर हरि का नाम कृष्ण को अगर हम आश्रय करते हैं, ये जो भवसागर है ये अपने आप सूख जाएगा, चलते चलते ये भवसागर को पानी माना कमर तक ये पानी आ जाए,
हैं, हम भवसागर से पार हो जाएंगे। और दूसरा कारण है, उन्होंने जो गिरिराज उन्होंने अंगुल ऊपर जो हाथ करके उठाए, एक समय तोता और मैना में लड़ाई हो गई। इतने में तोता कहता है, तुमको पता है गिरिराज ने किसने उठाए? मैना कहते हैं, हमें पता है। बोले किसने उठाए? बोले कृष्ण ने उठाए। मैना का रथ कृष्ण ने गिरिराज उठाए। तब मैना कहती, बताओ तो कृष्ण कौन सा हाथ में गिरिराज उठाया था? बोले बामा हाथ में। बोले कौन सा अंगुल में धारण किया था? बोले कनिष्ठ अंगुल, कनिष्ठ अंगुल में। बोले कैसे धारण किया? बोले शक्ति से। बोले कृष्ण का शक्ति कौन है? बताओ कृष्ण का शक्ति कौन है? राधा रानी। इसलिए गिरिराज किसने उठाया? राधा रानी ने। इसलिए बोले कछु माखन का बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और गिरिराज राधा जी की कृपा से गिरिवर लियो। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए कृष्ण यहीं पर खड़े होकर उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने धारण किया है। इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु भी यहीं पर आए थे, और अपना परिकरों को साथ में जब महाप्रभु यहीं पर आए, और उन्होंने जब श्री हरिदेव का दर्शन किया, हरिदेव का दर्शन करते करते उन्होंने एकदम नृत्य करते करते अपना भक्तों के साथ में बोले निताई गौर प्रेमानंदे, महाप्रभु एक रात यहीं पर उन्होंने बिताए थे, यहीं पर उन्होंने नृत्य कीर्तन महाप्रभु ने किया था। कल कृष्ण जो ये गिरिराज उठाया, उन्होंने ये गिरिराज उठाया तो क्यों उन्होंने गिरिराज उठाया, इसका क्या रहस्य है? तब हमारे विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर इसको पीछे उन्होंने चार ही रहस्य बताते हैं। पहला रहस्य है, कृष्ण यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर झोली फैलाना है ना, और किसी को पास में झोली फैलाने का जरूरत नहीं, झोली फैलाओ तो श्री गिरिराज गोवर्धन से फैलाओ, क्योंकि जो गिरिराज गोवर्धन है ये सर्व अभिष्ट प्रदाता श्री गिरिराज गोवर्धन। इसलिए गुरुदेव कहते थे, जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, कृष्ण स्वयं उनको पीछे 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 घूमते हैं, इतने कष्ट करके क्यों परिक्रमा लगा रहा है? कहते उनको जो कुछ वहां का गुरुदेव कहते थे, देखना गिरिराज शिला के ऊपर शिला रखा हुआ। बोले क्यों? बोले जितने मंजिल मकान चाहिए, जितना आप शिला के ऊपर शिला रखो, देखो ना गिरिराज उतना मंजिल तुम्हें मकान दे देंगे। देखो ये सही घटना सुनाता हूँ। ये बड़ौदा में एक समय हम एक किसी भक्तों घर में कीर्तन करने के लिए पहले साल गए थे। उनका साधारण से घर था, लेकिन हमने जब दूसरा साल उनके घर में गए, उन्होंने देखा आलिशान मकान, तीन मंजिल मकान बनाया। हमने पूछा, भैया एक साल में इतने माल कहाँ से आए तुमको? पिछले साल आए थे तो आप तो साधारण कुटिया में रहते थे। वो खुद बोल रहा था, बोले महाराज जी मैं गिरिराज गोवर्धन गया था, और वहां पर हमने सुना है जितने शिला के ऊपर शिला रखो उतना मंजिल मकान दे देते, और मैंने गिरिराज के शिला के ऊपर में मैंने तीन महीने शिला मैंने रख करके आया था। पता नहीं ये बिजनेस कहाँ से हुई, क्या हुई, गुरुदेव मेरे को पता नहीं ये तीन एक साल में पता नहीं कैसे पैसा आया, मैंने ये आलिशान तीन ताल मैंने तीन मंजिल मैंने मकान बना दिया। इसलिए जो गिरिराज सचमुच से जो गिरिराज है, कहते ना अकाम सर्व काम वा मुक्त काम दारधी ति प्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुषम परम। कोई कोई व्यक्ति दूसरे दूसरे देवता को पूजा करते हैं, बोले क्यों? बोले भोले बाबा तो बड़े जल्दी खुश हो जाते, मैया देवी तो सब दे देते, हनुमान लाल जी, लेकिन ये कृष्ण भक्ति करो ना गिरिराज की, ये कृष्ण बड़े टेढ़े हैं, ये तो मुक्ति केवल देने वाले, ये भक्ति देने वाले, ये तो हमको स्त्री पुत्र परिवार आना चाहिए। लेकिन कहते नहीं भैया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भले ही निष्काम हो करके हो, नहीं तो सारी कामना वासना लेकर हो, नहीं तो मुक्ति की, नहीं तो भक्ति की अगर कामना वासना लेकर हो तो पूजा किसको करो? कृष्ण कन्हैया को, केवल श्री गिरिराज गोवर्धन के ही पूजा करो। क्यों? ये सारी इच्छाओं को ये गिरिराज गोवर्धन पूरी कर सकते हैं। इसलिए पहला शिक्षा दिया उन्होंने, झोली फैलाओ तो इसको तिसको जिसको तिसको पास में झोली मत फैलाया करो, ध्रुव जी ने भी तपस्या की, लेकिन जब उन्होंने भजन की सारे कामना वासना को लेकर के, लेकिन जब भगवत दर्शन हुई इसका हृदय से सारी कामना वासना दूर हो गया। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, क्या श्लोक है, काम लागी पूजा करे, कहते हैं क्या क्या सही सही अज्ञे आमि विज्ञ विषय कन दिव स चरणामृत दिया विषय बुलाए। देखो कितना बात कहते हैं, कहते साधारण बद्ध जीव तो बद्ध जीव है, वो तो कामना वासना को लेकर के मेरे अगर भजन करते हैं, लेकिन मैं तो विज्ञ हूं ना, मैं तो मूर्ख है ही नहीं, इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसको अपना भक्ति दे करके उसका सारी कामना वासना को दूर करके अपना प्रेम में प्रदान करता हूँ,
ध्रुव जी ने तपस्या की राज्य लोभ से की, लेकिन जब भगवत दर्शन हुई उसका हृदय से कहते स्थान अभिलाष इस तपस स्थित हम त्वाम प्राप्तवान देव मुद्रे गुच्छम काचम विचिन्न अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थ अस्मि परम न जाचे। जब भगवत दर्शन हुई बोले ध्रुव मांग लो क्या चाहते हो, मैं ऐसे के देवता हूँ सारी इच्छाओं को मैं पूरी कर सकता हूँ। लेकिन ध्रुव क्या कहता है बोले प्रभु पहले मैं मूर्ख था इसलिए राज्य लोभ से आपको मैंने भजन की, लेकिन प्रभु अगर कोई कांच के टुकड़े ढूंढते ढूंढते अगर दिव्य मणि पारस पत्थर मिल जाए जगत में इसे कौन सा मूर्ख होगा जो दिव्य स्पर्श मणि को छोड़कर कांच के टुकड़े ग्रहण करेंगे। आपका चरण कमल तो ब्रह्मा शंकर के लिए भी आपका चरण दुर्लभ प्रभु भक्ति मुहूर् प्रभुताम त्वयि में प्रसंग हुआ धन तमहताम ममल सयानाम। देना तो हमें सत्संग दो भक्ति दो है आपके चरण में हमें प्रेम प्रदान करो। इसलिए यहाँ पहला शिक्षा कृष्ण देते हैं भैया इधर उधर देवा देवी को पूजा बंद किया करो। उन्होंने किसकी पूजा बंद की, स्वर्ग के इंद्र देवता इंद्र को पूजा बंद कर दिया। बोले पूजा करना तो किसको पूजा करो, बोले श्री गिरिराज महाराज को पूजा करो। ये सारे कामना को देने वाले श्री गिरिराज श्री गोवर्धन है। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। आनंद नहीं आया। बोले गिरिराज महाराज की जय। इसलिए ये पहला कारण था उन्होंने क्यों गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने पूजा प्रारंभ की। क्या दूसरा कारण है, अभी इंद्र का मंदिर में अभिमान है। क्या अभिमान है, मैं स्वर्ग का राजा हूँ, मेरे अधीन में मेघ है, मैं बारिश बरसाता हूँ, घास उगता है, गैया घास खाते हैं, दूध देते हैं ब्रजवासियों का दूध ही सब कुछ मिठाई विठाई जो कुछ बनता है। इसलिए अभी स्वर्ग का राजा राजा और ब्रजवासियों का राजा भी मैं हूँ। अगर मैं नहीं बारिश करूंगा ना ब्रजवासी भूखे मर जाएंगे। कृष्ण ने कहा कि आप भूखे मर जाएंगे। तुम्हें पता है वृंदावन का धाम क्या है, यहाँ का लता पता है कि धूल चिंतामणि। इसलिए बोले चिंतामणि प्रकर सदम सुकल्प वृक्ष लख्या वृतत सुरभि रभि पालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सव्यमानम गोविंदं मादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रज धाम साधारण नहीं, ब्रज का एक धूल में इतने कितने शक्ति है, कितने इंद्र चंद्र कितने स्वर्ग को प्रकट कर सकता है। और क्या इंद्र सोच रहा है, ब्रजवासियों का धूल करते इंद्र कौन बनता है, बोले 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा कोई इंद्र बन सकता है, लेकिन इस करोड़ों अश्वमेध यज्ञ से ब्रज का धूल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी ब्रज का बाहर में पत्थर जन्म लेना चाहते हैं, शंकर जैसे व्यक्ति गोपी रूप धारण करने पर भी चोटी पकड़ करके गुलजा मार कर निकाल दिया यहाँ से शंकर जी को। ये क्या सोच रहे हैं, मैं स्वर्ग का राजा और ये सबके सब ब्रजवास मेरे प्रजा हैं। अगर नंदा बाबा बोलते लाला कन्हा मेरे खड़ाओ ले आ लाला, कृष्ण ठुमक ठुमक करके चलते हैं और खड़ाओ को हाथ में नहीं खड़ाओ को सर पर रख करके नाचते नाचते आते हैं कृष्ण हैं। कृष्ण मैया जसोदा कन्या को कान पकड़ कर उठाती है बैठाती है। कृष्ण मैया कहते लाला तेने मक्खन खाई, मैया डर जाते अगर मक्खन खाया सुनेगा तो मैया मारेगी। डर से क्या कहते हैं, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं, लेकिन इंद्र क्या कह रहे, इनके राजा तो बन गया, इतना अभिमान तेरा है, अभी देख दिखाता हूँ तेरा मजा चखाता हूँ। इसलिए उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने इंद्र की पूजा बंधक रखे, उन्होंने सारे अभिमान को चुरा किया। तीसरा कारण है, कृष्ण सोच रहे हैं ये ब्रजवासियों को साथ में मैं साथ सात दिन तक एकत्रित होकर के इनको साथ में मैं चाहता हूँ थोड़ा उत्सव मनाए, क्योंकि जो राधा रानी से मिलना तो बहुत ही कठिन होता है और ब्रज गोपियों से मिलना तो बड़ी कठिन होता है इनको साथ में मिलना है, क्योंकि कृष्णा परे क्या रस आस्वादन कर रहे हैं, जैसे परे स्त्री है, परे स्त्री माने इसके साथ में छुप करके हम मिल रहे हैं, इसलिए कभी कभी इनको साथ में मिलना मेरे लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन ऐसे क्या काम करे जो कि हम सात सात दिन तक इनके साथ उत्सव करना चाहता हूँ। बोले जब मैं गिरिराज गोवर्धन धारण करूंगा, जिन गोपियों से और राधा रानी से मिलना कठिन है उनका आसानी से इसके नीचे आना ही पड़ेगा, और आना ही पड़ेगा। देखना बारिश चारों तरफ में और जा नहीं सकते, नहीं चाहने पर जैसे बस में जाते हो ना कहीं धक्का मुक्की हो, लेकिन हम स्त्री से दूर रहते हैं, लेकिन उस समय कोई चिंता नहीं करते, गाय में घिसट करके खड़े हो जाते क्योंकि वहां पर तो इतना भीड़ है। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं जब सबके सब ब्रजवासी
इसको नीचे आएंगे नहीं चाहने पर भी एक का शरीर में एक रिसर्ट करके हाँ पास में लग करके वहां पर खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए जब सारे ब्रजवासी आए इतने में अब विशेष करके जब राधा रानी सामने आई ना कृष्ण, तो राधा रानी को दर्शन करते ही कृष्ण कांपने लग गए। हाँ कृष्ण कांपने और गिरिराज गोवर्धन को हाथ में धारण करके रखे और गिरिराज में डगमगाने लग गए। सखा लोग देख कन्हैया क्या कर रहे हो इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन गिर जाएगा तो क्या कर रहे हो दिख नहीं रहे सारे ब्रजवासी इसको नीचे। मुझे पता नहीं राधा रानी को देखते ही मेरे मन में क्या होने लग जाता है अपने आप को सवाल नहीं पूछता हूँ। इसलिए नहीं जान पर सामने उनको साथ उन्होंने 7 दिन तक उन्होंने आसानी से उन्होंने उनको साथ में ब्रजवासियों को साथ उन्होंने मिले। तो यहाँ प्रश्न करते हैं आपको बोलो 10 मिनट खड़े हो जाओ ना तभी हमको बेचैनी हो जाता है लेकिन 7 दिन 7 रात ये ब्रजवासियों ने बिताए कैसे उसको नीचे। फिर ये ब्रजमंडल इसलिए तो भागवत में आता है कृष्ण तो 7 करोड़ गोपियों को साथ में रास रचाए 7 करोड़ और कहीं कहीं आता है 100 करोड़ नहीं 300 करोड़ गोपियों को साथ में कृष्ण रास रचाए कहीं आता है। फिर भैया इतना बड़ा गिरिराज गोवर्धन में इतने सारे ब्रजवासी नीचे आए तो आए कैसे। तब यहाँ कहते हैं कि ब्रज साधारण भूमि नहीं ये चिंतामणि धाम है। इसलिए कहते स्वर्ग में एक सुधर्मा सभा अगर 100 व्यक्ति आए ना 100 व्यक्ति बैठ जाएंगे एक कुर्सी खाली रहेगी। 1000 लोग आ जाएंगे एक कुर्सी, 1 करोड़ लोग आ जाए बैठ जाएंगे लेकिन एक कुर्सी खाली रहेगी। तो स्वर्ग में जब ऐसे चमत्कार था ये गिरिराज गोवर्धन तो भगवान की ये साक्षात कृष्ण है बल्कि इतना दिन तक फिर खड़े कैसे रहे एक जगह पर खड़े हो जाओ खड़े रह सकते हो 7 दिन 7 रात बल्कि कैसे बोले कृष्ण के मुखमंडल को जब उन्होंने दर्शन कर रहे थे दर्शन करते समय इतने आनंद इसलिए उनका 4 माधुर्य में 1 माधुर्य है प्रेम माधुर्य है। ये प्रेम माधुर्य में क्या विशेषत्व है जैसे ब्रह्मा का 1 रात यहाँ तो 7 दिन था ब्रह्मा का 1 रात 1000 चतुर्जीव है इतने करोड़ साल तक उन्होंने रास किया लेकिन गोपियों को क्या पता चला अभी आए अभी खत्म हो गया ये कृष्ण के अंदर। इसलिए कृष्ण के मुखमंडल को दर्शन करते हुए ब्रजवासियों को पता नहीं चला ये दिन कब चला गया। और मैया जसोदा कान्हा को हाथ को मालिश कर रही थी मुंह में बारंबार मक्खन खिला रही थी लाला को भूख नहीं लग जाए और हाथ में दर्द नहीं हो जाए और सखा लोगों ने डंडा टिका दिया बोले कन्हैया कब तक गिरिराज उठाओगे तुमसे चुस्ती ले ले थोड़ा तो विश्राम कर ले बोले तुमसे गिरिराज नहीं टिकेगा बोले क्या अकेला मैया का दूध ने दूध भी हमने दूध नहीं पी हम भी मैया के दूध भी हाथ नीचे कर ले हम गिरिराज उठा लेंगे। जब कृष्ण हाथ को थोड़ी से नीचे किया ना वो जितने डंडे थे सब सबके सब चरचर मरमर करना शुरू कर दिया बोले कन्हैया हमसे ये गिरिराज नहीं उठेगा। कभी कभी हंसी दिलाई करने में कहते हैं सखान बोले कन्हैया ये बताओ तुमने इतने बड़े गिरिराज को उठाया तो उठाया कैसे बोले मैंने थोड़ी उठाई बोले किसे बोले तुम लोगों ने उठाया बोले हमने कब उठाई बोले तुम लोग मेरे को देख रहे थे ना बोले हाँ बोले तुम जब देख रहे थे तुम्हारी सारी ताकत मेरे अंदर में आ रहा था सारी ताकत तो मेरे में आ रहा था तभी तो गिरिराज बोले कान्हा पहले तो मक्खन चोरी करता था अभी हमारे बल को भी चोरी करना शुरू कर दिया इसलिए तो हम सोच रहे थे हम इतना कमजोरी क्यों लग रहे थे इसलिए कृष्ण कहते इसका ये तीसरा कारण है। इसका चौथा कारण होता है कृष्ण का जो सर्वश्रेष्ठ जो इच्छा है ये रास लीला है। कृष्ण अभी ब्रज गोपियों के साथ में कृष्ण रास रचना चाहते थे इसलिए उन्होंने दो उन्होंने पराक्रम उन्होंने दिखाया दिखा करके ब्रज गोपियों के मन को उन्होंने आकर्षण किया। एक तो उन्होंने कालिया का नाक पर नृत्य की दूसरा उन्होंने कृष्ण के गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने धारण किया। इसलिए कहते हैं ये जो लीला है कृष्ण कौन हाथ बोले बाम हाथ से हम कहते ना अरे मेरे लिए कौन सा बड़ी काम है हम तो उल्टा हाथ में ये काम कर सकते हैं बोले बाएं हाथ का खेल है बोले ये बाएं हाथ का किया सबसे छोटे अंगुल का काम मेरे बोले छोटे अंगुल किया बोले ये नख को तो नहीं काम कर सकता हूँ इसलिए उन्हें नख को पर उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उठाया। जब ब्रज गोपियों ने देखा राधा रानी ने देखा बोले बाप रे बाप जैसे कि हीरो हीरोइनी को आकर्षण करने के लिए जब उसको सामने बहादुर दिखाता है वो हीरोइनी अपनी आप आकर्षण हो जाती है इसलिए कृष्ण हीरो ब्रज गोपियां हीरोइनी इसलिए मैं इसको आकर्षण करके ये गिरिराज इसलिए इनका नाम गोवर्धन गोवर्धन मतलब क्या गो मतलब इंद्रिया किसकी इंद्रिया कृष्ण की इंद्रिया वर्धन मतलब होता है जिनकी इंद्रिया को उन्होंने सुख
आनंद प्रदान किया है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ लीला रासलीला, जहाँ पर रसानाम समूह रास, जहाँ पर रस ही रस है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जब रासलीला का वर्णना कर रहे थे, वर्णना तो कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने वर्णना कर रहे थे लास्ट में उसको वर्णना नहीं कर पाए। लास्ट में उन्होंने बोले मधुरम 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 करते करते लास्ट में खत्म कर दिया। गति इतने मीठा ये भगवान की ये रासलीला है। इसलिए भगवान की जो सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय तृप्ति ब्रज गोपियों और राधा रानी को साथ में, इसलिए इसी लीला में श्री गिरिराज गोवर्धन जी विशेष विशेष मदद किया। इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन हमारे लिए बहुत बहुत उपकारी। इसलिए हमारे सारे गोस्वामी लोग कौन, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सबके सब क्या किया, गिरिराज के आश्रय लिया। यहाँ तक भी हमारे गुरुदेव जहाँ पर मठ बना है, गुरुदेव खुद कहते थे जहाँ पर मठ बना है यहाँ पर बहुत सारी जगह लिया, लेकिन ये जगह क्यों चुना, कारण क्या, बोले कारण है जैसे प्रेमानंद गुरु माधव महाराज उन लोगों ने इसलिए चुना, कभी यहीं पर गुरुदेव पहले के दो मंजिल था, गुरुदेव वहीं पर बैठे करके स्टोव में थोड़ी खिचड़ी बना देते थे, खाते थे, रोज गिरिराज परिक्रमा करते थे दो लोग, एक महीना दो दो लाख हरिनाम सारे गोस्वामी ग्रंथों को गुरुदेव ने यहीं पर उन्होंने कठोर भजन की गिरिराज के आशीर्वाद से, और गिरिराज की कृपा से ही उन्होंने सारे विश्व में जो उन्होंने प्रचार किया है किसकी आशीर्वाद से, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की आशीर्वाद से ही गुरुदेव ने सारा दुनिया में हैं ये गिरिराज की महिमा को, कृष्ण महिमा को उन्होंने जगत में प्रचार और प्रसार किया। इसलिए हम लोगों ने श्री गिरिराज की तलहटी में आए, इसलिए गोपियां कहती हैं हंताय अद्रिय वाला हरिदास वर्ज जत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमद वे गिरिराज, आप ही कृपा से ही हमारी अभिष्ट पूरी हो सकती है। कहते चलो श्री मानसी गंगा में नहाएंगे और श्री हरिदेव को दर्शन करेंगे, इनकी इनकी कृपा से जीवन का सारे बाधा दूर हो जाएगी कृष्ण के साथ मिलन होने का। इसलिए ये गिरिराज सबकी इच्छा पूरी करने वाले, ये गिरिराज हमारी भी इच्छा पूरी करने वाले, इसलिए गिरिराज हम सबका इच्छा पूरी करे। एक दिन जैसे हम श्री राधा रानी की गुरु जी के अनुगत्य में, वैष्णव के अनुगत्य में, एक दिन श्री राधा रानी की अनुगत्य में, गोपियों की मंजरी अनुगत्य में युगल सरकार की हमें सेवा प्राप्त हो। ठीक है, पांचा कल हरे कृष्णा। जो लोग परिक्रमा में जाना चाहते हैं, अभी नाम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, इधर से वापिस जाकर ऑफिस में हमारे सुचिनंदन प्रभु अनुपम प्रभु मिलेंगे, उसे रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो कल सुबह 5:30 बजे हम लोग बस से जाएंगे नंदगांव, इसलिए हमारा नहीं तो असुविधा होगी। इसलिए आप लोग से अनुरोध है, जो लोग जाना चाहते हैं भी कि रजिस्ट्रेशन कराया नहीं करा लें, नहीं तो हम बस की इंतजाम कैसे करेंगे। और ब्रह्मचारी भी जो जनता है उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रणाम ही नहीं देना है, केवल नाम लिखाना है। ये मत सोचो कि ब्रह्मचारी हम लोग जाएंगे प्रणाम से, नहीं, तुम लोग को बस के लिए नाम लिखाना पड़ेगा, प्रणाम करेंगे, प्रणाम ही नहीं देना है मठवासियों। और शाम को 4 बजे से कीर्तन और 5 बजे से हरि कथा। और एक बात याद रखेंगे, जैसे कल हम लोग जाएंगे नंदगांव पे, सबसे पहले टेर कदम्ब आशीषेश्वर महादेव, फिर नंद बाबा का मंदिर, फिर ललिता कुंड, ललिता कुंड में ब्रेकफास्ट प्रसाद दिया जाएगा, फिर ललिता कुंड से हम लोग चले जाएंगे नंद खीड़क, फिर उद्धव क्यारी, फिर कोकिलावन जावट होके वापिस आएंगे। इसलिए बहुत सारा दर्शन है। और बरसाना के दिन अगले संडे को, क्योंकि सरकार का जो सख्त नियम है बाहर में भोजन संपूर्ण रूप में प्रतिबंधित है, इसलिए हम लोगों को संक्षेप से हरी कथा बोल के आगे बढ़ना पड़ेगा। और मठ में आके प्रतिदिन प्रसाद होगा दोपहर का, इसलिए हम आशीष में प्रसाद कलेबा न रख करके ललिता कुंड के तट पर रखा। भाई कॉसलेस मार्च गुरु एन वैष्णवस वेरी असेंबल्ड कॉल्ड हरिदेव मंदिर कृष्णस ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनाभ प्रभु ही एस्टैब्लिश्ड 6 देवस इन ब्रजमंडल, नॉट 4, 6 देवस। हु आर दे इन मथुरा? 2, 1 इज केशव देव,
another Dirgha Vishnu. Two, then in Gokul, Gokulesh. Three, Vrindavan Govinda Dev, Govardhan Haridev, and Dauji Baladev. Six Devas. Four Devis. Who are they in Mathura? Mathura Devi. And in Chirghat is Kattayini Devi, Sanketvan Sanket Devi, and Kammavan Vrinda Devi, four Devis. Five Baladevas, one in Dauji Baladev, Madhuban in bank of Madhukunda Baladev Prabhu, two, and Bhandirvan Pralambari Baladev, Talban Dhenukari Baladev, and Bhadravan Balabhadra Baladev, five Devas established by who? By Vajranav. So, this takes place about 5,000 years before. Why Krishna was lifted Govardhan? If there is any action, there is some reaction, anti-action, counter-action. When Krishna lifted Govardhan on the top of his pinky, this is called your little finger, but in American English called pinky. So, what is the reaction? When Krishna lifted Govardhan, reaction started in Gopi's heart. Oh my goodness, he's so bold, so brave. Gopis became fan of Krishna, want to come to close to him. This is reaction. Anti-action. What anti-action? Anti-action in Indra. What shall I did? What to do now? Maybe my chair will go forever. Everybody has fear for his their kursi. In this thinking, what to do? Favorable action. Sakas are very happy. Oh, our Sakas lifted Govardhan. Very good. And another is, one is anti-action, reaction, counter-action, all over the world, all demigods' heart. Oh, this is the teachings for all demigods. What to do? So from here, now when Krishna lifted Govardhan, Krishna did two bravery. One is he danced on the Kaliya snake, subdue Kaliya. Another lifted Govardhan. In both places, Gopis said, oh my goodness, how he can do that? Unbelievable. So then Gopis became very, very fan to Krishna. So after they will go to, will do Parikrama of Kunda, then go to Sanatana Goswami Bhajan Kuti, then to Chakleshwar Mahadev, and there is Parangnihad, Vilasra Nauka, will discuss over there, Hare Krishna. Mike, खोल करतल सब उठिए नील आप लोग कृपा करके माइक खोल करतल उठा लीजिए हरे कृष्ण हरि बोल हरि हरि बोल हरे कृष्ण सो हु एवर नॉट रजिस्टर्ड एट द नेम प्लीज डू रजिस्ट्रेशन एक माला झोला मिला है किसका ले जाए सम फॉरेनर्स डिवोटी द लूज देयर बीट हुज बीट कैन टेक कलेक्ट फ्रॉम नरसिंह महाराज दर्शन कर रहे हैं श्री गिरिराज गोवर्धन में बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय श्री हरिदेव मंदिर की जय
मैं भी कंटिन्यू रख रही हूँ, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। जी अभी हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, वहाँ चक्रेश्वर। बोला हर हर महादेव। ये बताएंगे आपका प्रभु जी हम कहाँ जा रहे हैं। चलाएंगे ये दूसरे को किसी ले रहा है ना, बोलो हर हर महादेव बोलते बोलते हम चल रहे कहाँ वहाँ चाहते तो कहीं मत जाइए, मोबाइल लगा लीजिए I can, but this I'm not pure now. I'm today. Okay, you can teach me how can you prepare? Then I will prepare for Gurudev soup. How can? Yeah, I know. Maybe my friend can help me. Soup is good for Gurudev, na? I know. Very nice soup for health. Very helpful. Which vegetables you use in that? I use broccoli and flour, cabbage. Okay. Flour. Cauliflower. Yeah. Sometimes white pumpkin. Sometimes. Okay. Sometimes I put little bit baby corn. Okay. Any. Different. And I use coconut milk. Coconut milk. Yeah. Tora. Coconut milk? Yeah, coconut oil. Milk. Not milk. Coconut milk. Is available here? I have. Yeah, I have more. I buy in Gavardhan Western Shop more. Because this very helpful. This better or original. Show me. Okay. Yeah, I show you. It's very nice. Very. Today you teach me how you can prepare. Then yes, it's very then, easy. 4 days, I then you. Not 4 days, today. Okay. I mean, yesterday. Then another day start. You will. Okay. Yeah. Because I'm not here on 26 and 27, you will prepare then. When my days finish, I
prepare, I so much like prepare for Gurudev. I prepare so helpful. I very good product, Western shop I buy, and I order special for diabetic, for Gurudev problem, special oats, special for morning time. You have quinoa? Yeah, so many. Maybe four cage I have. I want 2 packets. You have? Yeah, I give you. Okay. I give you quinoa and coconut milk. Because Gurudev like quinoa in breakfast. And Dalia? In breakfast, I prepare for him special porridge. Special porridge for him problem. Okay. For diabetic, sugar-free and special, very nice, very helpful. Okay. Because from when Gurudev bad eat, he very bad feel himself. And for him need prepare very helpful food. Yeah. Because diabetic so not I want Gurudev very good feel himself. Yeah. Good health. Yeah. Quinoa is best and... Yeah, quinoa is best. For diabetes, quinoa is the best. For sugar problem, quinoa is best. There is so much expensive here. Quinoa is so much expensive in here. I buy, but so much expensive. Yeah, I'm also buy expensive. I keep money and after I buy. You buy here? Yeah, of course. My country close. I stay here and I buy here. Yeah, I buy here, expensive. But for Gurudev, no problem. All my money for Gurudev service. Yeah. For me, no need. I have everything. I have clothes. I have prasadam and all my money for Gurudev. And some Russian devotees help me send money, my card. Okay. For Gurudev service. Yeah. It's no problem. If something is buy, I can buy. So if you have now, I have no quinoa this time. Yeah, so I give you. Give me 2 packets, okay? I have one. But Gurudev don't like that so much. महाप्रसाद भी नहीं छोड़ेंगे और अगर घर में बैठे बैठे महाप्रसाद पाना चाहते हैं तो अभी जाइए विद्या लंकर वाणी का पेज में और क्लिक कीजिए तीन में दिया हुआ नंबर बोलिए विद्या लंकर वाणी नहीं भागे ऐसा इधर से इधर तुम दिखाओ ना विद्या लंकर वाणी को और देखिए हमारा कितना सारा फोटोग्राफ और सेव और सेव विद्या लंकर वाणी में आपको मिलेगा अलग
भी ले लो सर।